रहने वाले थे, इसलिए भ्रांत हुई। अपन ने देखा किस तरीके से उनको गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। उसके बाद में जेकोब निकल आया जो गरीब वर्ग का था, और उसके बाद में उनकी सरकार बनी। उसके बाद में जेकोबिन के अंदर भी जो रोबेस्पियर को फांसी चढ़ा देते हैं गिलोटिन पे काट के साथ कलम। उसके बाद में मध्य वर्ग की सरकार बनती है, और उसी बीच अपन ने बात की थी महिलाओं के अधिकार। तो बच्चों आज के वीडियो के अंदर अपन फ्रांस के अंदर क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, यानी महिलाओं ने भी अपने अधिकारों के लिए क्रांति की थी, इसका अध्ययन करेंगे अपन। तो बिल्कुल बच्चों, महिलाओं को अधिकार ऐसे ही नहीं मिले थे, महिलाओं ने भी अपने लिए क्रांति की थी अधिकारों के लिए। तो जो है महिला थी, पुरुष समाज में परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय थी, पुरुषों के बराबर उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, परंतु ये अपने अधिकारों के लिए समाज में लड़ रही थी और हमेशा से ये सोचती थी। आपको पता था, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जब पुरुष वर्ग युद्ध के अंदर जाने लग गए, सेना में भर्ती हो गए, तो सारे काम की जिम्मेदारी महिलाओं पे आ गई थी। और ये जो महिलाएं थी ये सभी तरह के कार्य करती थी। ज्यादातर 30 से 60 महिलाएं थी, गरीब वर्ग की, मजदूर वगैरह की पत्नियां वगैरह थी। ये महिलाएं क्या करती थी, छोटे मोटे काम करती थी, सब्जी बेचना, घरों की सफाई करना, इसके अलावा छोटे मोटे काम करना, छोटी मोटी वस्तुओं को बेचना, वेश्यावृत्ति करना आदि आदि काम करके अपना जीवन यापन करती थी और अपने घर को चला। परंतु ये पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि इनको कोई अधिकार नहीं था, ना जागरूकता थी कि भाई सभी महिलाओं को पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके की जागरूकता भी कमी थी, प्लस काम काज करके वो अपना घर चला रही थी। पुरुष सेना में चले गए थे, कई जगह मर भी गए थे, तो घर की जिम्मेदारी होने के कारण ये पढ़ती हुई थी। पढ़ाई कौन करता था, पढ़ाई सीखी थी कुलीन परिवार की लड़कियां, जो धनी वर्ग के परिवार की लड़कियां होती थी, जो अमीर वर्ग की लड़कियां होती थी, वही लड़कियां पढ़ाई करने का कार्य करती थी, शिक्षा ग्रहण करती थी। और उस युग में महिलाओं ने भी राजनीतिक चर्चा के लिए अपने क्लब बनाए, जैसा कि मैंने बताया जैकोबिन काल के अंदर
जो है वोट देने का अधिकार दे दिया गया था सभी वयस्क नागरिकों को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। परंतु फ्रांस के अंदर अपन देखते हैं फॉरनर है, विदेशी है, पढ़े लिखे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। उस जमाने के अंदर इन महिलाओं को बिल्कुल कुछ भी अधिकार नहीं, यानी वोट देने का अधिकार भी नहीं था। संविधान बन गया उसके बावजूद वहां पे महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी। तो इसके लिए अभी तक इनका संघर्ष जारी था और मताधिकार के लिए जो संघर्ष है वो 20वीं सदी तक चला। देखो बच्चों 20वीं सदी तक जो है अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी महिलाएं केवल वोट के अधिकार के लिए। इसके अलावा सन 1946 को फ्रांस की महिलाओं का अधिकार मिला था अपनी भारत की आजादी के एक साल पहले अपना भारत आजाद कर चुका 1947 के अंदर। और इनको अधिकार का मिला 1946 में मात्र अपने भारत की आजादी के एक साल पहले फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इससे पहले तक वो महिलाएं वोट भी नहीं दे सकती थी। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो अपना भारत तो बहुत आगे रहा और आजादी के साथ ही सभी को एक समान अधिकार दे दिए। पर फ्रांस के अंदर लंबी लड़ाई के बाद में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इस तरह बच्चों आपने देखा महिलाओं के लिए विशेष रूप में जब गरीब वर्ग का एक जो है सरकार बनाता है जिसको अपन ने जैकोबिन कहा था, तो उस क्लब में ग्लोबल ने जैकोबिन वालों ने रोबेस्पियर की सरकार बनी तब ये महिलाओं को देखा गया। और उसके बाद में जो है एक नई सरकार बनी उन्होंने पूरी तरीके से इनको ये अधिकार दिया। अब अपन एक दूसरे टॉपिक की बात करेंगे दास प्रथा का उन्मूलन। अब अपन दासों के बारे में बात करेंगे। दास क्या बच्चों? दास यानी नौकर। देखो बच्चों आज का नौकर जैसे होता है ना वैसे उस वक्त नौकर नहीं हुआ करते थे। उस वक्त उनके साथ बहुत ही गलत सहयोग किया जाता था। अभी मैं आपको पढ़ा कर बताने वाली हूँ उन दासों की कैसी स्थिति थी। तो उन्मूलन का मतलब जो दासों के साथ बुरा व्यवहार होता था उनको खरीदा बेचा जाता था, उसके लिए भी कानून बना। तो आप जो है दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन का सामाजिक सुधार में से एक सुधार था। जैकोबिन क्लब जैसे मैंने अभी भी बात बताई महिलाओं के लिए जो कानून बनाए उनके लिए शिक्षा के अधिकार दिए उनके सुधार लेके। और यहाँ पे भी जैकोबिन क्लब जो था मैंने आपको रोबेस्पियर के बारे में बताया था, तो यहाँ पर उनकी सरकार ने ये बहुत खास काम किया था सामाजिक सुधार में, जिसके अंदर जो है उस समय क्या ये सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाए गए उनकी तरफ ध्यान दिया गया। होता है ना बच्चों के होते यहाँ पर नील तंबाकू चीनी चीनी कॉफी के बहुत बड़े आपूर्ति करता थे। क्या बच्चों हुआ कहाँ की आने पर डेरे मिल थी, तो मैंने आपको बट में बताया था कि किस तरीके से आपको बताया था कि ये उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर मैंने आपको पश्चिम अमेरिका बताया था। और इस तरीके से अगर अपन देखें तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर वर्ल्ड मैप के अंदर आपको इस तरीके से द्वीप समूह नजर आता है और यही द्वीप समूह है दक्षिण अमेरिका। और यही द्वीप समूह जो है ये कैरेबियन द्वीप है। तो बच्चों यहाँ कैरेबियन द्वीप है, यही पर जो है पेंसिलवेनिया का बहुत बड़ा उत्पादन होता था और पूरे यूरोप में अमेरिका में सब जगह पर इन चीजों को बेचने का पहुंचाने का काम किया जाता था। पर उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में होता था जहाँ पर मजदूर नहीं होते थे, क्योंकि यूरोप के देश से तो मजदूरी करने जाते ही नहीं थे। तो फिर ये लोग क्या करते थे, इन यूरोपियन से अपने सामान जाते थे तो अफ्रीका से ये लोग जो है दास खरीद के लाते थे और इनको खरीदने का काम कौन करता था, अमेरिका और यूरोप। तो इस तरीके से दासों का यहाँ पर एक प्रेशर बन गया था। मतलब यहाँ पर जैसे मान लो कैरेबियन द्वीप के लिए यूरोप और अमेरिका जो है और फ्रांस जो है ये दास खरीद सकते हैं अफ्रीका से, और यहाँ पर जो है दास खरीद कर अफ्रीका के लिए दास खरीद कर जो है यहाँ पर लाकर बेच देते थे। क्योंकि बच्चों
जो आज की तरह नहीं है कि जान में बैठे और मोटरसाइकिल चलते हैं डीजल से और पहुंच जाए जल्दी से, नहीं लंबी समुद्र यात्रा होती थी और जो नीचे चप्पू चलाने का काम वो भी दासों से करवाया जाता था। उसके बाद में बेचारे बीमार पड़ जाते थे, नीचे चूहे इतने ज्यादा इनको काटते देख करते मर जाते तो वही समुद्र में फेंक देते, तो वो इनके साथ में दैनिक व्यापार जो व्यवहार होता था बहुत बुरा व्यवहार होता था, जिससे ये बेचारे बहुत परेशान थे। गरीबी के कारण बेचारे क्या करते, अपने आप को ही बेच देते थे। और एक पुस्तक के अंदर तो मैंने ये भी पढ़ा था कि बच्चा पिता और माता तीनों की अलग अलग बोली लगती है और तीनों का अलग अलग जगह भेज दिया जाता था, अब वो जीवन में एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे। ऐसे ऐसे दर्दनाक जो हादसे और ऐसे ऐसे कार्य भी होते थे। तो इस तरीके से दासों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। इसके अलावा जब इन लोगों ने अपने लिए भी अधिकारों के लिए मांग की तब जो है 18वीं सदी तक तो ऐसे कोई कानून नहीं बना था, परंतु 1754 में लंबे संघर्ष के बाद में इन लोगों के लिए अधिकार बने और